नेक्स्ट कॉलर हैं रामशंकर ग्वालियर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरी उम्र है 58 साल और मुझे पेट में दर्द रहता है। ठीक है। कितने जलन दिन से? होती है और दर्द रहता है। कितने दिन से आपको ये तकलीफ? कितने दिन से है? ये करीब 15-20 साल से है। मैं आर्मी में नौकरी करता था, वहीं से हो गई थी। ठीक है। एलोपैथिक दवाई ले रहा हूँ, बस उससे आराम नहीं मिल रहा। ठीक है, एलोपैथ भी लेते रहिए। और काफ़ी पुराना मर्ज है, 5-6 महीने यूनानी को दें और यूनानी आपको रोज़ ज़रा सा फ़ायदा देती है, ये आप ज़रूर ख्याल रखें। एलोपैथ भी लेते रहें, डॉक्टर का मशवरा भी लेते रहें। 5 गिलास गर्म पानी रोज़ पिया करें। जब बेल पत्थर या पत्थर बेल जिसे कहते हैं हुआ करें तो रोज़ खाया करें थोड़ी सी, और पानी खूब पिया करें। पानी आपके लिए बहुत कीमती है। और एक नस्खा घर में बना लें, और वो ये है कि आपको लेना है धनिया, सौंफ, अलसी। धनिया और सौंफ जो है वो आपको 100-100 ग्राम लेनी है, अलसी 200 ग्राम लेनी है। धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अलसी 200 ग्राम, और गौन मोरिंगा आता है एक, और अच्छा असली लेना गौन मोरिंगा 100 ग्राम ले, काफ़ी महंगा और नकली भी मिलता है, ये 100 ग्राम ले लें। पाउडर बनाएं, खूब बारीक पाउडर बनाएं घर में। सबको रॉ मटेरियल लेना, पिसा पिसा है कुछ नहीं। और एक फौजी वादा करें कि सब अपने घर में ही पाउडर बनाएंगे। और फिर एक चम्मच यानी छोटा चाय का चम्मच सुबह ले लिया करें पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और एक चम्मच शाम को भी ले सकते हैं, यानी 3-4 ग्राम छोटा चाय का चम्मच आप ये लेंगे तो ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपकी तकलीफ ठीक होना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं इमरान हल्द्वानी से हमारे साथ, स्वागत है इमरान आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल में ना मेरी मदर को बात करनी है तो मैं उनको फोन दे रहा हूँ। उनका नाम नसीम बेगम है। हाँ जी, तो वो बताएंगे अपनी परेशानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बड़ा खुश नसीब हूँ, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। जी बात थी कि पहले मैं कोई दुआ मांगूंगी तो अल्लाह ताला एकदम कबूल कर लेंगे, और कोई भी काम हो जाए कैसे भी काम मुश्किल वो भी हो जाए, जिसके ना होने की उम्मीद भी ना थी। और अल्लाह ताला ने हज भी करवा दिया, 7-8 साल हो गए। और बाबा जी ने 2 साल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। बताइए क्या तबीयत ये खराब है कि एक तो कंधों में कोहनी तक दर्द है। ठीक है। हाँ, दोनों तरफ और पूरे जिस्म में भी, पहले घुटने में भी बहुत था, घुटने में तो कम है। और दर्द की दवा खाने से पेट में कुछ हो जाएगा। ठीक है ठीक है। आपकी उम्र और बता दीजिए। उम्र बताइए ना, 65 साल है। तो देखिए, ये उम्र में ये दर्द कोई रोग नहीं है, बल्कि कोई मर्ज नहीं है, बल्कि ये उम्र की रफ्तार में ये पड़ाव आते हैं हर किसी के साथ। अगर यूनानी ले लें तो आपके बहुत दिन के लिए छुटकारा हो जाता है, 5-10 साल के लिए। और वरना यही है, गोली खा लो तो अगर दर्द सही हो तो पेट में कुछ हो जाता है, तो कभी पेशाब में कुछ हो जाता है। बच्चा आपका बहुत प्यारा है, आपका ख्याल रखता है और फ़ोन करा रहा है, वरना आपको पता ही नहीं चलता प्रोग्राम का। बच्चा आप लिख लीजिए, बेटा इमरान आप लिख लीजिए कि एक गौंद स्याह ख़रीदना है। गौंद स्याह, काला गौंद ख़रीदना है, 100-200 ग्राम ख़रीद लीजिए, असली चाहिए, कड़वा होता है बहुत, हो सकता है आपको बुरा लगे इतना कड़वा, काफ़ी कड़वा होता है, असली लेना है। और 0.5 ग्राम सुबह, 0.5 ग्राम शाम, मम्मी को याद से, किसी की ड्यूटी लगा के, अगर आप शादीशुदा हो तो बीवी पर भी यकीन मत करो, आप खुद दे के जाओ। और सुबह को नाश्ते के बाद 0.5 ग्राम, चाहे तो गोलियां बना लें उसकी, चने की बराबर या मटर के दाने के बराबर,
और जब ऑफिस से आओ तो खाना खिला के फिर दो। बगैर चर्बी के दूध से, रईस हो तो जूस से, गरीब हो तो पानी से खाएं। ये 200 ग्राम के करीब गोंद लेंगे, ख़त्म होने से पहले आपकी वालदा का फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं सौरभ भोपाल से हमारे साथ, स्वागत है सौरभ जी आपका। जी 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 अचिंता आदाब। जी आदाब जी। जी मैंने कल फोन किया था तो आपने सर मुझे एलोवेरा का सिरका बताया था, तो यहाँ कहीं वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है सर कहीं, तो आप कहाँ से। जी जी देखिए मुश्किल से मिलता है और बहुत से लोग तो जानते ही नहीं एलोवेरा का सिरका भी होता है। जो भी मैं बताता हूँ उधर आप मुश्किल से मिल सकता है, कुछ चीज़ें तो आपको किचन में ही मिल जाती हैं, तो हमारे यहाँ भी कोशिश कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, थोड़ा वक्त में मिलेगा। अगर 10 दिन 15 दिन भी हो जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि असली मिलेगा, वो आप इस्तेमाल करें आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल आपको फ़ायदा ज़रूर मुमकिन है, तभी तो आप लोगों को कहा जाता है कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत कीमती वो रॉ मटेरियल भी होते हैं और असली नकली की आप लोग पहचान भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं भागना दौड़ना नहीं है और थोड़ा सा आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आप उसके लिए हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन असली होना चाहिए और हम लोग आपको असली ही प्रोवाइड कराते हैं। रोग संबंधी कोई भी परेशानी आपको रही है उसका एक सटीक उपचार जानना चाहते हैं तो फोन उठाना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो बोलिए। हेलो हाँ जी, जी मैं साक्षी बोल रही हूँ। जी साक्षी जी, जी दांत कमजोर हो गई है, मैं 56 ईयर की हूँ, तो कोई परेशानी होती है कुछ होती, जैसे कोई बोल रही है कुछ बात है तो एकदम मैं भूल जाती हूँ, जैसे फोन के नंबर हो गए कोई बात होगी, तो मेरे को ये परेशानी रहती है। तो मैंने बोला आज की इंफॉर्मेशन नंबर लो, बहुत बहुत भगवान का थैंक यू, उनका थैंक यू करती हूँ कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो भगवान उनको लंबी आयु करे, जिस तरह की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, भगवान अच्छों को ही अच्छी कर्म कराता है। मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मेरा उन्होंने फोन लगाया। बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए, और ऊपर वाला आपके साथ भी वही मामला करे जो आप मेरे बारे में सोचती हैं। अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात करते हैं और मुझे भी खुशी हो रही है आपसे बात करने में। देखिए इस उम्र में याददाश्त में कमी आती है और उसका इलाज भी है। इलाज ये है कि दो अखरोट तोड़ें घर में, दो अखरोट लेकिन तोड़े रोज़ाना, छिले हुए नहीं लाएँ, दो अखरोट और 10 किशमिश, किशमिश भी सभी जानते हैं, और एक चुटकी, एक चुटकी में जितना आपके हल्दी आ जाए इसको आपको इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है आप देखें, इसका जूस बना लें, इसको साथ में खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, और गर्म पानी पिया करें दिन में 5 मरतबा, या माजून अखरोट भी ले सकते हैं, माजून अखरोट प्राश भी आती है इसकी, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा झंझट लगे तो, याददाश्त का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। जी नेक्स्ट कॉलर है अनीता इंदौर से हमारे साथ, स्वागत है अनीता जी आपका। हाँ जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब से बात करना थी, अकेले साहब से। जी अनीता जी मैं आदाब करता हूँ आपको। हाँ मैं खुशी खुशी में आपको धन्यवाद देना भूल गई भैया, मैं बोली आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, और मैं घरेलू इलाज में कम्बर बहुत उख रही थी उसका चूर्ण खाया मेरे को बहुत फायदा हो गया, फिर मैंने पैरों में साल बरसती थी, तो अभी मैंने पूछा तो दवाई वहां से मंगवाई तो मैंने चालू करी, तो अभी आराम तो है, अच्छा आराम है, मतलब 8 दिन से ले रही हूँ सिरका, बीपी बहुत हाई रहता है मेरा और कोलेस्ट्रॉल भी है और शुगर तो नहीं है मेरी 67 एज है मेरी, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके, तो मैं अकेली हूँ अभी घर में कोई भी नहीं है, बहू मेरी अहमदाबाद में है, तो मेरे को अंदर इतनी खुशी आ रही है, आंखों में आंसू आ रहा है आपसे बात हो रही थी तो। अरे देखिए आप अगर ऐसा कहेंगे तो मैं बहुत भावुक आदमी हूँ और मैं भी रो पड़ता हूँ, आपने देखा होगा प्रोग्राम में मेरे भी आंसू आ जाते हैं, और आप जैसी ख्वातीन देखिए, आप जैसी महिलाएं बहुत कम हैं जिनका रुतबा बहुत ऊंचा है, वो बस अपने को
और मुझ जैसे इंसान को भी खुश देखना चाहते हैं। और देखिए आपको फ़ायदा शुरू हो गया, आप एक हफ्ते से तो ले रहे हैं, थोड़ा धरे वाले भी आप जैसी उम्र के लोग होते हैं जो संयम बरतते हैं। ये यूनानी मतलब आयुर्वेदिक, ये सब्र वालों का इलाज है, और आपकी उम्र वाले लोग सब्र वाले होते हैं, मेरी उम्र वाले लोग सब्र वाले होते हैं, तो थोड़ा सब्र और करिए, आपको फ़ायदा शुरू हो गया। जब फ़ायदा हो जाए तो सबको बताइए ये नुस्खा। आप जैसी बहनें मेरी लाखों में हैं जो डायरियाँ उनके पास हैं, मेरे नुस्खे लिखती हैं और अपनी तरफ से मुफ्त में लोगों को बना के देती हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में मेरी बहनें हैं जिनकी दुआएं मुझे लगती हैं, और वाकई मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि सेहतमंद ज़िंदगी, जब तक भी ऊपर वाले ने दिए सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे। मेरा मकसद है, मेरा मिशन है कि हर घर में घरेलू नुस्खा पहुँचाए और लोग बुरे प्रभाव की दवाओं से बचें। बिल्कुल, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से परमिंदर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल यह है कि मेरी मदर के पैर में दर्द रहता जोड़ों में। ठीक है, उम्र क्या है उनकी? ये 65 है। ठीक है, और कोई दिक्कत? कंधों में दर्द होता है उनके। हाँ देखिए, आपको वैसे बच्चे जो अपनी माँओं के लिए फ़ोन करते हैं तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। अगर हर घर में ऐसे बच्चे हों जो अपनी माँ की तकलीफ़ महसूस करें, और क्योंकि वो 65 साल की औरत हैं और वो नहीं जानती कि फ़ोन पर कैसे बात करनी है, क्या सवाल करना है, कैसे लिखना है, तो ऐसे लोग जो अपनी माँ के लिए चिंतित हैं तो मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ। अपनी वालदा के लिए, अपनी मम्मी के लिए गौन स्याह मंगा दीजिए। असली मंगाना, नकली भी मिलता है। ये गौन स्याह सिर्फ 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका घर में पाउडर बनाए, पाउडर नहीं लेना है इसका, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल लेना है, थोड़ा सख्त सा होता है, कड़वा होता है, और इसकी घर में ही गोलियां बना लें, चने या मटर की बराबर पाउडर बनाकर, और सुबह शाम अपनी मम्मी को दीजिए। और मेरी दुआ भी साथ में है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम रोज़ दीजिए, आपकी मम्मी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती है। तो चलिए, आपकी मम्मी की जो सेहत बिगड़ी हुई है वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आप ही नुस्खे अपना लीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको बताए हैं। दर्शकों, देखिए अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी। आप लोग निरोगी काया भी पा सकते हैं और आप लोग सेहतमंद रह के एक अच्छा जीवन अपना गुजार सकते हैं, लेकिन एक प्रयास आपको करना होगा, एक कदम आपको भी आगे बढ़ाना होगा। अगर फ़ोन उठाना है, नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं, बाकी हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं 24 आवर्स, आप इन पे कभी भी अपना कोई भी सवाल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको किसी नुस्खे को लेके होती है या फिर आप समझ नहीं पाते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ, स्वतंत्र हैं ऑस्ट्रेलिया से। जी बताइए, सवाल कीजिए। मेरी राइट हील में ना जी, दाहिनी एड़ी में बहुत पेन रहती है। ठीक है, पिछले 4-6 महीने से जी। ठीक है, और स्पेशली जब मैं सुबह उठता हूँ ना जी बिस्तर से तो ज्यादा होती है। तो मैं क्या करता हूँ, आजकल हमारे यहाँ सर्दी है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं जुराबे डबल पहन लेता हूँ चलने के लिए, तो उससे थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन पेन है फिर भी। अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं और कितनी उम्र है, और ये बताइए कि थोड़ी देर बाद, आधा घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाती है एड़ी? नहीं होती सर, वो नहीं होती नॉर्मल। ठीक है, अच्छा देखिए, आप तो इंडियन ही होंगे जो हिंदी बात कर रहे हैं, और इंडिया में एक गौंद मिलता है, गौंद सिया सिर्फ 100-200 ग्राम मंगा लीजिए। ये हर दर्द, चाहे एड़ी का दर्द हो या कमर का दर्द हो या मोंढे का दर्द हो या जॉइंट पेन हो, घुटने का दर्द हो, ये वो गोंद है जिससे दवाएं बनती हैं। और ये मैं रॉ मटेरियल बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल ही लेना, कोई पिसावा दे तो मत लेना, और असली लेना। कड़वा होता है जायके में और ब्राउन होता है लुक में, उसे कहते सियाह है यानी काला गोंद। तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम किसी भी सूरत में खाएं,
और आप देखेंगे कि चंद हफ्तों में आपको ठीक होना मुमकिन है।